संपर्क करें और वो जाकर वहाँ बताए कि मैंने आपका नाम है, क्रिकेट सुना था, तो उसको हेमलेट भी एक मुफ्त में एक फ्री मिलेगी। तो एक शानदार सुनहरा ऑफर, होली का ऑफर है और मैं चाहूंगा कि जितने भी बाइक प्रेमी बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं वो तो एक बार संपर्क करें। 101 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नाम और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना है। गेंदबाज ओवर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद और अच्छी गेंद अंदर की ओर आई, बैट को तिरछा करते हुए खेला है, गली की ओर गेंद जा रही है, एक रन दौड़ते हुए बल्लेबाज है, पहल कसरती शरीर है, विशाली सुबह में अगली बार फुल टॉस पर ड्राइव करना चाहते थे, रन आउट का मौका हो सकता था वहां पर, अगर वन टाइम अटेम्प्ट गेंद होती तो बाल बाल बचे, नो बॉल का इशारा, शायद हाइट का इशारा था, बिल्कुल सही नहीं है और काफी ऊंची थी कमर, गेंदबाज अंबर को नीचे कर पाएंगे और ये देखिए सीधा बल्ले स्ट्राइक किया है 6 रनों के लिए, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर लोग बस भर गए हैं। वहां पर सवाल पूछा गया बल्लेबाज से, बाल बल्लू जरूर होती होगी, एक बार फिर उछाल लेती हुई गेंद, सीने की ऊंचाई की गेंद, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, नंबर पहला समाप्त होता हुआ विशाल का, ओवर नंबर 1 की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन, विकास समाप्त कीजिएगा, ओवर भी बहुत सीधा ड्राइव, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन के बाहर, पुल करना चाहते थे, बैट का मोटा किनारा लगा, डीप थर्ड मैन की ओर गई, विशाल पेंटर थे उनके हाथों पर फील्डिंग, फिर अच्छी गेंद, लेग बॉल, वाइड का इशारा, पुल करना चाहते थे, देखना है चमन है वहां पर, लेकिन बैकअप कर रहे थे, मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को गए मिड ऑन के क्षेत्र में, दौड़ते हुए फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन लेने का, नदी दिखानी पड़ रही है, कनीक हो गए थे अंदर, बाल बाल बचे, गेम ओवर का विकेट, फुल टॉस पर ड्राइव कर दिया इस बार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए सीधा फाइन लेग स्क्वायर लेग, विशाल शॉट बॉल को घुमाकर मारा है, कोई मौका नहीं, लंबा ऊंचा करो या मेरे का मुकाबला, बैटिंग के लिए ये स्वर्ग पिच है, यहाँ पर जब जल जहाँ बल्लेबाजी करनी, और ये देखिए शॉर्ट बॉल को घुमा दिया है, कोई मौका नहीं, एक और मिड ऑन के ऊपर से 4 या 6 रन का इशारा था, काफी अभी तक कितने रन दिए हैं, और फिर ओवर पिच बॉल को सीधा ड्राइव, लेकिन इस बार मिड ऑफ पर अभय मौजूद थे, गेंद को रोक लिया, कोई रन नहीं, तो गेंदबाज को अपनी स्किल दिखाना होती है, फिर अच्छी गेंद इस बनाकर खेल रहे हैं, और अच्छी गेंद, फिर यहाँ पर बीट हो गए बल्लेबाज, हेलीकॉप्टर के अंदाज में गेंद उड़ाना चाहते थे, लेकिन उसका था रन इतने बन जाएंगे जहां से, और एक और अच्छी गेंद थी वहां पर, तो क्वेश्चन पूछा गया, बीट हो गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति होता हुआ, तो ये तीसरा समाप्त हो चुका है और स्कोर है 38 रन। इस ओवर में क्या करते हैं, और फिर से वही से शुरुआत करते हुए, गुड लेंथ बॉल, अंदर आई गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, फिर उछाल लेते गेंद को, वही बैट को तिरछा उठाकर मारा, मिस टाइम कर गए, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना है कैच कर पाते नहीं, उनके पीछे गिर गए, और ये शायद पैर का इशारा हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हवा में डिफ्लेक्ट कर गए, और 4 रनों का इशारा शानदार बॉल को लपकते हैं, और ये देखिए उछाल लेते हुए गेंद को बैक फुट पर जाते हुए कट कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद डीप मिड ऑन के बाहर चली गई है, 4 रन अंबर, और फिर से उसी तरह का ड्राइव किया है, और एक और चौका, यानी कि चौके की हैट्रिक लगता हुआ, कहा भैया कोई हैट्रिक वाला नहीं है क्या, भूषण एक बार फिर से इस ओवर में, और आगे बढ़कर पैड पर लिया गेंद को, देखिए कितना चतुराई होता है, देख रहा हूं
गेंद वही रही, गेंद गई गली की ओर, फील्डर वहां पर कप्तान ने स्वयं गेंद को फील्ड किया। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ी को गेंद को पुल कर दिया है मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच से ऊंचा लंबा और एक और छक्का पहचान दिलाती है। और ये देखिए पैरों पर फेंक रही गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेजा है गेंद को चार रनों के लिए, एक और छक्का जड़े हैं। और ये देखिए गेंद को फिर से खेला है, उधर कोई खिलाड़ी नहीं है, चार या छह रनों का इशारा और इस तरह से एक और ऊंचा लंबा छक्का और दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। फिर से अंदर आते हैं, गेंद को घूम कर मारना चाहते थे, उनके थाई पर गेंद लगे बिना विकेट के नुकसान के बजरंग स्पोर्ट का गेंद को कट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर विकेट मिल गई है और जब मैं यहाँ से कह रहा था वही हुआ। विशाल ने, विकास ने माफ कीजिएगा, पहला सफलता दिलाया है राकेश के रूप में, 32 रन बनाकर शानदार शुरुआत देकर आउट हुए हैं। आगे बढ़कर खेला है, गेंद इनसाइड एज लगा है, मिड विकेट की ओर जा रही है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उसके पीछे, लेकिन अब है गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। हो चुके हैं छठा प्रगति पर है और स्कोर है 70 रन एक विकेट के नुकसान पर। भूषण आज कुछ उस अंदाज में नजर नहीं आ रहे हैं, अंपायर उनसे अच्छा खबर ले रहा है, लेकिन इस बार देखना है कैच कर पाते हैं नहीं। और भूषण को मिलने वाली है पहली सफलता, पहले ओवर में भी उन्होंने कोशिश की अंबर को कैच पेश करते हैं। पहली गेंद ओ अच्छी गेंद थी, वहां पर सवाल पूछा गया, शरीर लगाया गेंद को रोक, खाली गैप छोड़ा गया है और उसी एरिया में खेलना चाहते थे। और देखिए एक बार फिर से चार रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, रंग ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। अपने ही ओवर में दूसरी सफलता, चार रन बनाकर पवेलियन जाते हुए रंजन निराला ओवर में लेने के बाद तीसरी के तलाश में और यहां पर फिर से जाने दिया विकेट, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 74 रन तीन विकेट के नुकसान पर, एक समय स्कोर था 66 पर कोई विकेट नहीं, तो रास्ता दे जा चुके हैं। अब है फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया है, गेंद को गई है मिड विकेट की ओर, मिड विकेट से दौड़ते हुए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था दीपू पोर्टिंग की तरफ से कि उसी तरह की पारी खेले आज भी, और हल्के हाथों से खेलकर एक रन ले रहे हैं और एक एक रन अब यहां से रखे। अब है ओवर पिच बॉल सीधा ड्राइव करना चाहते और एक स्क्वायर 31 सीमा रेखा के ऊपर, गेंद को फिर ड्राइव किया है मिड विकेट पर खिलाड़ी है, ओ मिस फील्डिंग हुआ, दूसरा रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन नहीं माना किया गया, अब जाकर दूसरा रन पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज, मिस फील्डिंग हुआ, वन टाइम में अटेम्प्ट। फुल टॉस पर ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं, लंबा ऊंचा 6 रन स्कूल जो है वहां गिर गई है। फिर से अगली गेंद और एक और उसी दिशा में एक और छक्का, सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 90 रन तीन विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट, ओ अच्छी गेंद, उनके भुजन और अंबर मिल हो रही है, काफी अच्छी गेंद थी। नाती इस समय बीच मैदान में भूषण का सामना कर रहे हैं, ओवर द विकेट फुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, चार रनों के लिए डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर सीमा रेखा पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर फुल टॉस पर एक और ड्राइव, कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर अच्छी गेंद, ऐसे ही तो गेंद डालनी होगी दीपू जैसे बल्लेबाज को रोकना, एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पर कट बिहाइंड के लंबर से निकल गई है।
कैसे धोखा दिया जाता है, लेकिन सहवाग उनसे भी बेहतर है। गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ड्राइव कर दिया है ऊपर से, एक और छक्का। रिकॉर्ड ये दोनों टीम छोड़ पाएगी। फिर से वर्टिकल और वो फुल टॉस बनाते हुए ड्राइव कर दिया है स्पाइनल अंपायर के बाहर, चार रनों के लिए। उदाहरण मैदान में रहे और फिर से सीधा ड्राइव किया है बॉलर बैक ड्राइव, देखना है खिलाड़ी रोक पाते नहीं, रोक लिया गया वहां पर विशाल के द्वारा। के साथ स्कोर पहुंच चुका है 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर और ये ओवर नंबर 9 समाप्त हो चुके हैं। होगा ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए ओवर पिच बॉल को फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया है खिलाड़ी मौजूद वहां पर दीपू, जो कि कवई भाई रोहतास के खिलाड़ी हैं, यहां पर किए हैं 23 रन बनाकर और कट कर दिया है। कोई मौका नहीं विशाल के पास, चार रनों के लिए शानदार और बेहतरीन चतुराई से खेला है। और जीत लिया है मोती वहां पर दिख रहा हूँ। दीपू के बल्ले में काफी ताकत है, ब्लेड में काफी उनके दार है और ये फिर उठा दिया है गेंद को, एक और छक्का। अब ऐसा लग रहा है की बेहतरीन तेज रन पारी के लिए और अभी तक वो 31 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से देखिए शायद इम्पॉसिबल अच्छी गेंद थी वहां पर। अब यहां से बजरंग स्पोर्टिंग क्लब को फिर से शुरुआत करनी होगी, एक नई इनिंग शुरुआत करनी होगी और फिर से अपना टारगेट सेट करना होगा। हवा ओवर है, फुल टॉस पर गेंद को ड्राइव किया है खिलाड़ी है भाई, लेकिन गेंद से रुकेगी नहीं, गेंद चार रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। एक और यहाँ पर एक रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे दुरान। अगर आवाज को भाई सुन रहे हैं तो आप जल्दी से पहुंचे, यहाँ पर अपर कट कर दिया है 6 रनों के लिए। फिर मिला था वहां पर अभय का पीछा, गेंद नहीं छोड़ रही है जिधर अभय जा रहे हैं, फिर से गेंद गेंद के पास जा रही है। टीपू का आइकॉनिक खिलाड़ी और ये देखिए सहवाग आ जा रहे हैं मैदान में बाउंड्री कर रहे हैं। 16 गेंदों में 35 रन बनाकर बैटिंग करते हुए कट बिहाइंड की अपील, जोरदार अपील, जोरदार अपील की जा रही है दोनों अंपायर साहब वहां पर बातचीत करते हुए। और यहाँ पर शायद ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज साथ और आउट दोनों अंपायर ने निर्णय लेने के बाद ये विकेट नंबर पांचवा जो है। और अब नए बल्लेबाज अंकित जो कि गली क्रिकेट तो डायरेक्ट, इनका स्टार्ट भी बिल्कुल अजीब गरीब है और हमें देखिए बिल्कुल सही पान का आनंद ले रहे हैं। अगर कैमरामैन है तो इस गेंद को होल्ड नहीं कर पाए, गेंद जमीन को छू गई और इस तरह से जीवन उद्घाटन किया जाएगा। इस ओवर के बाद दोनों बना लेंगे तिवारी जी और हीरो फाइनल कप फाइव कप के विक्की तिवारी जी के द्वारा ये आज का उद्घाटन किया जाएगा। तीनों कर्प विक्की तिवारी और साथ में विनोद कुमार यादव, मसरिया के युवा समाज सेवी और पगड़ी से स्वागत किया जा रहा है प्रहरी बाबा के द्वारा हमारे बच्चन तिवारी जी का। तो एक शानदार और शानदार आयोजन मसरिया प्रीमियर लीग का, दूर दूर से खिलाड़ी इसमें आए, काफी अलग अलग फाइनेंसर बने और एक ऐसा है कि कभी टीम जो होती है वो एक दूसरे के साथ खेलती है लेकिन इस मुकाबले में वो एक दूसरे के विरुद्ध खेल रही है। एक शानदार एक रोमांचकारी पल यहाँ पर है, उद्घाटन फीता काट कर किया जा रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की भी पहचान है, कोई भी शुभ कार्य होता है
तो हम उसमें उद्घाटन की प्रक्रिया करते हैं। मैं जुनैद सर का भी अभिनंदन करूंगा, काफी युवा और जुझारू, जुनैद ईमानदार और काफी शानदार छवि वाले ये व्यक्ति। और दोनों अरे वाह रिवर्स पर छक्का 100 रुपया और पर चौका पर 50 रुपया सिर्फ इस ओवर के लिए है, यानी कि गेंदबाज के लिए भी मौका, बल्लेबाज के लिए भी मौका। एचडीबी फाइनेंसर विवेक तिवारी की तरफ से और पहले गेंद पैरों पर फेंकी हुई, हमने रखकर देने वाले जो दो उनकी ऑटोमोबाइल से आ कर और गेंद को घुमा कर मारा है और ऐसा लग रहा है जड़ दीजिए और फिर गेंद को खेलाना चाहते थे घूम कर मारासी हो अच्छी गेंद थी वहां पर ड्राइव कर आफ्टर 12 ओवर्स कंप्लीट एंड घूम कर मारना चाहते थे ओवर की समाप्ति होता हुआ और मात्र इस ओवर में अभी तक एक ही छक्का लगा है। क्या ये राशि आगे भी बढ़ेगी? बस कितने वो आगे बढ़कर खेला है, गेंद को सही तरह से आए नहीं बल्ले पर, सटे हुए हैं बल्लेबाज विवेक, पुल कर दिया है उस पर फील्डर है लेकिन दर्शक के सिर पर आ जाएंगे सीमा रेखा से। गेंद को कट कर दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फिर वहां पर फिर एक बार ओ नो बॉल का इशारा, साधु के चेहरे पर हाथ पर लगी गेंद ऐसी एक बार फिर से चमन और फिर एट का कोई फायदा वहां पर उठा नहीं पाए बल्लेबाज। मैदान है बड़े बड़े बाल और ये देखिए सिक्स शॉट 4 या 6 रन का इशारा आता है जिस तरह से विश्लेषण आते हैं और फुल टॉस को टॉस करना चाहते थे संदीप भाई कप्तान थोड़े ही नहीं गेंद को टॉस कर लिया लेकिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी वाइड का इशारा रहा है पैर का 184 रन जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में कोई रन हेलो शानदार और बेहतरीन अंपायर और अपने निर्णय के लिए काफी फेमस रहने वाले पीएल के नाम से प्रसिद्ध धनीलाल कभी वो भी इस समय वीडियो कॉल के द्वारा इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट्री का भी ले रहे हैं। 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 187 रन विशाल। ओ शॉर्ट बॉल को पुल करना चाहते थे काफी ऊंची गेंद 188 रन 7 विकेट के नुकसान पर और अच्छी गेंद नीचे रहते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, काफी दूर गेंद थी और वाइड का इशारा आता हुआ पर का विकेट अंपायर को पार करते हुए शॉट बॉल को पुल कर दिया, गेंद वहीं उठ गई है, उसके नीचे विकेट कीपर दौड़ रहा है, देख रहे हैं कर पाते नहीं, काफी लंबी दौड़ थी लेकिन उस गेंद पर नहीं लपक पाए,
काफी दूर दौड़ रहे थे, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में दौड़ते हुए चले गए, लेकिन अंकिता गेंद को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। तरंग स्पोर्टिंग क्लब का पहुंच चुका है 100 और गेंद को खींच कर मारा है जोरदार और प्रहार किया है बड़ा अच्छे रन पर। और ये इस तरह से 200 रन पूरा होता हुआ इस छक्के के साथ विजय का स्कोर 46 है। और गेंद को खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है 4 रन के लिए और शानदार और बेमिसाल पारी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 रन नहीं बनेंगे, अब यहां से ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज करते तो 250 रन भी बन सकते हैं। दौड़े हैं अब इस ओवर में सामना करने के लिए बैक फुट पर जाते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेलकर शॉट पर एक खिलाड़ी दौड़ते हुए रन चुरा लिया गया वहां पर। तो इस एक रनों के साथ स्कोर 207 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब है स्विच शॉट खेलने की कोशिश, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं तो विक्की और एक थर्ड मैन पर ठीक एक्स्ट्रा का बट रहा है फुल टॉस पर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आ रही है। एक अपनी टीम के लिए काफी शानदार और बेहतरीन पारी खेलते हुए विवेक 54 रनों पर उनका व्यक्तिगत स्कोर और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 100-211 रन। इसके बाद 2 ओवर का और खेल बचेगा और ये फिर गेंद को हवाई रास्ते से बाहर भेजा है 6 रनों के लिए और छक्का। ये 8वां विकेट पवेलियन में जा रहा है। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सामने और गेंद को नीचे खेला था, हवाई रास्ते से गेंद को भेजना चाहते थे। ओ आगे बढ़कर कट ग्लैंड की अपील की जा रही है लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, कुछ और बहुमूल्य रन ऐड करने होंगे। आगे बढ़कर खेला है काफी ताकतवर और बेहतरीन मुक्का, एक और रन दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने पूरा किया है। तो इस एक रनों के साथ 225 रन हुआ 225 रन 19 ओवर की समाप्ति पर 225 रन कहां है। ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए गेंद को स्वीप कर रहा है, गेंद वही उठ गई है, उससे नीचे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं देखना है पंच को पता नहीं नहीं वहां पर कैच की तो कोशिश की गई थी लेकिन नहीं। ये बजरंग स्पोर्टिंग क्लब फिर से स्कोर कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, नो मैन्स लैंड गेंद में खेलता हुआ एक रन और दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने पूरा किया। मैं बता दूं कि बजरंग स्पोर्ट्स क्लब में 3 जो सुपर स्टार मास्टर हैं उनका सामना करना होगा संदीप दीपक रॉयल चैलेंजर्स को, इनके सामने ये कैसे रन चेस कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो ये तीनों गेंदबाज पर दरमदार होगा इस रन को बचाने के लिए, एक काफी और शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। अब है और फिर गेंद को वही उछाल दिया है, गेंद वही उठ गई, विकेट कीपर आ रहे हैं, ओ ये क्या कर बैठे हैं, इतनी भी चोट लग सकती है, आउट भूषण ने वहां पर कैच नहीं पकड़ा है। यहां से मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं और गेंद को कट कर दिया है, फील्डर मौजूद है और काफी देर के बाद विक्की को गेंद मिली है जो अपने आप को रसल कर अभी भी इसको रुका हुआ है 100 गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है, मोती खिलाड़ी है लेकिन उनके गेंद का इंतजार किया, 2 रन दौड़ रहे बल्लेबाज और आसानी से 2 रन भी पूरा कर लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 231 रन यानी कि 232 रन बनाने होंगे संदीप रॉयल चैलेंजर्स को और उन तिगड़ी का सामना करना है जो कि इस समय सबसे खतरनाक जोड़ी में से एक है। तिगड़ी